Hey guys, good morning and welcome back to the channel. आज है बुधवार, डेट है 22nd of September. सुबह सुबह जल्दी मुझे वैक्सीन की अपॉइंटमेंट मिल गई है. आज कोई उतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि स्लॉट्स काफ़ी अवेलेबल है, स्पेशली सेकेंड डोज के लिए. तो और मेरी अपॉइंटमेंट है 10 और 11 के बीच में, तो अभी बजे 10:15. जल्दी मतलब नज़दीक ही जाना है, तो कोई जल्दी मुझे है नहीं. अब 5-10 मिनट में निकल जाऊंगा. यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर वैक्सीनेशन सेंटर है, तो वहाँ पर जाएंगे और टीका लगवा कर आते हैं और देखते हैं. यानी पहले डोज में मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अभी इस डोज में कुछ होने की संभावना उतनी तो है नहीं. फिर भी अगर मेरा फर्स्ट वैक्सीन डोज का व्लॉग जो है वो मेरे दूसरे चैनल फिट ऋषि पर है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो व्लॉग देख सकते हैं. तो चलो पहले वैक्सीन करके आते हैं. चलो आएगा वैक्सीन घून है तुम्हें. चलो बाबा गोइंग टू टेक द वैक्सीन. चलो जाके आते है. पहुंच गया हूँ हॉस्पिटल, शिवशंकर पोटे हॉस्पिटल. मेरा तो फ्री डोज है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है. चलो फिर अभी चलते हैं और वैक्सीन लेते हैं. तो गाइस मेरे आगे अभी 2 लोग हैं, उसके बाद में मेरा 3रा नंबर है. फिलहाल तो 10 बज चुके हैं, 10:05 हुए, अभी शुरू होगा वैक्सीन थोड़ी देर में. चलो शायद मैं हो सकता है मेरे वैक्सीन लेने का वीडियो में शूट करूं, पर देखते हैं वो अलाउ करेंगे या नहीं. तो गाइस अभी मेरा नंबर आने वाला है, फॉर्मेलिटी करते हैं. उनको अभी आधार कार्ड दिखाना है, उसके बाद में इस रूम में जाएंगे, यहाँ पर वैक्सीन देंगे. तो गाइस अभी वैक्सीनेशन रूम में खड़ा हूँ. अभी ये जो दिख रहे हैं शख्स, इनके बाद मेरा नंबर है. चलो तो गाइस फाइनली सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन हो गया है मेरा. कुछ पता भी नहीं चला, उन मैडम का हाथ इतना सॉफ्ट था. कब टीका लगाया और कब दिया पता ही नहीं चला. सो चलो पहले वैक्सीन के बाद कुछ भी तो हुआ नहीं मुझे. अभी देखते हैं आज क्या होता है. कुछ लोग कहते हैं कि पहले के बाद जिनको कुछ हुआ नहीं उनको सेकंड डोज के बाद होता है. क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आई एम कॉन्फिडेंट कुछ नहीं होगा मुझे. बात ये है कि जब मैं आ रहा था तब थोड़ी थोड़ी बारिश थी और थोड़ा टी शर्ट भी भीग गया था हल्का सा. अब बारिश पूरी तरह से थम चुके है और आप चलते हैं घर, मतलब रेनकोट पहनने की ज़रूरत नहीं है अभी. तो गाइस वैक्सीन लेके अभी घर वापस आ चुका हूँ. अभी देखते हैं क्या होगा. आई एम कॉन्फिडेंट कुछ नहीं होने वाला. पहले डोज को कुछ नहीं हुआ, सेकेंड डोज को भी कुछ नहीं होगा. चलो फिर इंतज़ार करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है. तो गाइज वैक्सीन के बाद फीवर का तो पता नहीं, लेकिन भूख काफ़ी लग रही है. पता नहीं ये कैसे हो रहा है यार, ये कोई नया सिम्टम है क्या. तो गाइज अभी वैक्सीन लेके हो गए हैं ऑलमोस्ट 3 घंटे. फिलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ है. अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको अपडेट देता जाऊंगा. फिलहाल तो अभी तो कुछ नहीं फील हो रहा, कुछ नहीं, तो देखते हैं अभी. तो गाइज अभी वैक्सीन लेके मुझे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 6 घंटे से ऊपर हो चुके हैं मुझे. और फिलहाल तो कोई सिम्टम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि शाम तक वेट करो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा. और मुझे पक्का यकीन है कुछ होगा भी नहीं. मैं ये रिपीट कर रहा हूँ बात, क्योंकि पहला वैक्सीन का जो डोज होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो दूसरा होता है वो इट्स जस्ट अ बूस्टर. लेकिन हाँ एक मज़े की बात, मुझे नींद बहुत आ रही है, पर उसका रीज़न वैक्सीन नहीं है, उसका रीज़न है ये वेदर. काफ़ी स्लीपी फील कर रहा हूँ. ये वेदर ग्लूमी है और आज वैक्सीन लेना था, इसलिए मैंने कुछ आज ना वर्कआउट किया ना मैं मेरे क्लाइंट के घर गया. सिर्फ घर पर ही था, कुछ नहीं, मूवीज़ देखे, यूट्यूब वीडियोस देखा और सिर्फ टाइम पास किया. बस इतनी बात आपसे शेयर करनी थी. और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा मैं वैसा वैसा आपको क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा. सो टेक केयर.
तो गाइस आज हमारे घर में एक स्पेशल प्रोग्राम है। मेरे जो बड़े वाले चाचा है उनकी वाइफ का 80वां जन्मदिन है, तो आज हमारे घर में है फीस्ट। लेकिन हमेशा की तरह मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा डाइट है, तो जो भी बनता है मेनू मैं आपको वो दिखाऊंगा क्या है। बहुत ही स्पेशल है कुछ, तो देखते हैं। तो गाइस खाना बनकर रेडी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। सब इतना ज्यादा हेल्दी फूड है ना सब, मतलब आयरोनिकली बोल रहा हूँ, सार्केज्म दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत बहुत ही बढ़िया 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 खाना है आज, लेकिन अपना डाइट खा नहीं सकते। तो ये है मिसल का एक सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसे कर्ड बोलते हैं, वो है ये है मटकी, को क्या बोलते हैं हिंदी में, मटकी, मटकी है। और दिखाता हूँ आपको, ये है आलू की सब्जी, और ये है फरसान। तो आज ओवरऑल मिसल का कार्यक्रम है। मिसल बहुत ही एक फेमस महाराष्ट्रियन स्नैक्स आइटम है, लेकिन आज मेरे अंकल के वाइफ का 80वां जन्मदिन है, तो उसके लिए सब लोग अभी आने वाले हैं, तो मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे, पहले आने तो दो उनको। तो गाइस अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बहुत ही बढ़िया खाना है। स्वीट में शायद केक होगा, पर एनीवेज उसकी बात नहीं करते। ऑलमोस्ट अभी बज चुके हैं 8, तो 8 और 1 9 घंटे हो चुके हैं वैक्सीन लेके। अभी भी कुछ उतना फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी आवाज़ और मेरा चेहरा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, सो इट्स गुड थिंग। पर फिर भी मैं कल वर्कआउट के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ऑन द सेफर साइड अगर ना करूँ तो ठीक रहेगा। फिर भी मैं कॉल कल सुबह लूँगा, ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो रात बाकी है, देखते हैं। अभी तो ये देखिए बर्थडे गर्ल का सब क्या उसको बोलते हैं, रिचुअल्स चल रहे हैं, सेरेमनी चल रही है। और ये सब लोग भुक्कड़ लोग, ये सब भुक्कड़ लोग खाने का वेट कर रहे हैं, कब ये खत्म करो और कब हमें केक दो। तो गाइज अभी ऑलमोस्ट बजे है 11, गेस्ट भी अभी जा चुके हैं, पार्टी खत्म हो चुके हैं, और वैक्सीन को लेके भी ऑलमोस्ट 12 घंटे हो चुके हैं, अभी भी कोई भी सिम्टम नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जो जो लोग डरते हैं कि मुझे ये होगा वो होगा, नहीं, ये अपनी अपनी इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपकी थोड़ी सी थोड़ा सा भी अगर आप हेल्थ और फिटनेस के बारे में ध्यान नहीं देते तो आपको थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है वैक्सीन का, मतलब फीवर आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, ऐसा कुछ। तो फिलहाल तो मैं कल के व्लॉग में भी अपडेट आपको देता रहूँगा कि क्या क्या मेरे साथ हो रहा है। फिलहाल तो बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, आपको शायद दिख रहा होगा, पता नहीं, पर चलो फिलहाल तो मैं चलता हूँ रूम में, और रूम में जाकर जैसे मैं हमेशा रूम में ही व्लॉग का एंड करता हूँ, वहीं पर जाकर व्लॉग का एंड करते हैं। तो गाइस फिलहाल तो अभी बज चुके हैं 12, और समय आ चुका है व्लॉग का एंड करने का। लेकिन व्लॉग का एंड करने से पहले आपको थोड़ा सा अपडेट देता चलो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, कल सुबह उठ के भी मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। फिलहाल तो व्लॉग का मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ दिस इज योर फिट ऋषि फिट ऋषि व्लॉग्स साइनिंग ऑफ फॉर द डे, और वादा करता हूँ कल जरूर मिलूंगा
और जाने से पहले हमेशा के वर्ड्स, गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे